अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मटकी की। एक पैन में हम तेल ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा तेल लेना है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज लेना है, बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ होना चाहिए, जो कि आसानी से मिल जाए। इसको प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। तो इसके साथ हमें यहाँ पर लेना है हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बिल्कुल बारीक सी कटी होनी चाहिए, पीसना नहीं है, बस कट करना है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक सी कटी हरी मिर्च। और लेंगे अब हम करी पत्ता, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मटकी। इसको धोकर रखा हुआ है मैंने, ये हम मटकी डालेंगे इसमें। ऐसे हल्के से भूनना है, सिर्फ लो फ्लेम पे आपको भूनना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा मटकी वैसे भी बहुत हेल्दी होती है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। इसे हम ढककर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक जितना आपको चाहिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसके बाद पुदीना, और इसके बाद लेके हम हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसको हल्का सा हल्की आंच पर भूनने के बाद हमारी तैयार है प्याजी मटकी, जो कि नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और हम इसे गार्निश करने के लिए लेंगे बीटरूट। आप अपने तरीके से किसी भी तरह से इसको खा सकते हो। मैंने यहाँ बीटरूट लिया है, जिसे शलजम भी कहते हैं, नींबू उस पर डालने के लिए, ताकि उसका और टेस्ट अच्छा हो जाए, पुदीना, और बस आपके पास जो घर में होता है चूड़ा, सेव वगैरह, आप कुछ भी इसके साइड में डाल सकते हो, ये अच्छा दिखेगा और टेस्टी भी लगेगा। बस आप घर पर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। बहुत ही इजी है, हेल्दी है, नाश्ते के लिए बहुत बेहतरीन है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।